अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम जो है रिज्यूम करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, वो हमने जितना वो प्लांट एनाटॉमी की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम टिश्यूज़। आज वहीं से हम क्या करते हैं, रिज्यूम करते हैं। आज हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, मेरिस्टेम बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ द प्लांट। कल हमने पढ़ा था कि ओरिजन, मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजन और मेरिस्टेम बेस ऑन एक्टिविटी जो थी उसकी। ठीक है, उसकी बेस पे हमने दो हमने डिस्कस किए थे कल क्लासिफिकेशन। आज हम थर्ड डिस्कस करेंगे, दैट इज मेरिस्टेम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ प्लांट बॉडी। कि प्लांट बॉडी की पोजीशन के ऊपर हम बेस पे क्या करते हैं, मेरिस्टेम को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेम। क्या है एपिकल मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम हम बोलते हैं जो किस कहाँ प्रेजेंट होती है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ऐसी मेरिस्टेम जो टिप्स ऑफ रूट्स और शूट्स पर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। इस एपिकल मेरिस्टेम को हम डिवाइड करते हैं आगे प्रोटोडर्म में, प्रोकैम्बियम में और ग्राउंड मेरिस्टेम में। क्लियर? प्रोटोडर्म क्या बना देगा, एपिडर्मस। प्रोकैम्बियम क्या बना देगा, कैम्बियम। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बना देगा, ग्राउंड टिश्यूज। क्लियर? मेरिस्टेम बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ प्लांट बॉडी हमने किस में डिवाइड किया है, एपिकल मेरिस्टेम में, इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ऐसा मेरिस्टेम जो टिप ऑफ रूट्स और शूट्स पे प्रेजेंट होता है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ रूट्स एंड शूट, उसे हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। इसके आगे से क्या फर्दर टाइप है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म क्या बना देगा, एपिडर्मस। प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा, कैम्बियम सेल्स मतलब वेस्कुलर टिश्यूज। और ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाएगा, ग्राउंड टिश्यूज। सेकेंड है इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम। इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम क्या होती है, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द इंटर नोड्स। ऐसे मेरिस्टेम जो तो जो इंटर नोड्स, स्टेम के अंदर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं ना, दो नोड्स होती हैं। स्टेम की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ऐसा पार्ट ऑफ द प्लांट जिसके ऊपर नोड्स प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम। और दो स्टेम के दरमियान में जो फासला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। तो जो मेरिस्टेम इंटर नोड्स की बेस पे प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम। थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है, सिलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट इन वेस्कुलर एंड कॉर्क टिश्यू। ऐसे मेरिस्टेम जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर और कॉक टिश्यू में, उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन इज मेरिस्टेम बेस्ड ऑन फंक्शन। मेरिस्टेम फंक्शन की बेस के ऊपर एक क्या आ जाएगा, प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म किस में डेवलप्स इनटू एपिडर्मस। यहाँ भी हम क्या थे ना, प्रोटोडर्म एपिडर्मस में चेंज हो जाता है। तो जब हम उसे फंक्शन की बेस पे क्लासीफाई करते हैं मेरिस्टेम को, तो किस में क्या क्लासिफिकेशन होती है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड एंड फंडामेंटल। प्रोटोडर्म डिवेलप्स इनटू एपिडर्मस, प्रोकैम्बियम डिवाइड इनटू प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम, फंडामेंटल एंड ग्राउंड किस में चेंज हो जाएंगे, ग्राउंड टिश्यूज में और पिथ में। क्लियर? प्रीवियस लेक्चर में हमने दो क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, आज भी हमने फर्दर दो इसकी डिस्कस की है, मेरिस्टेम बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ प्लांट बॉडी एंड फोर्थ वन इज मेरिस्टेम बेस्ड ऑन फंक्शन। ये इसकी फोर क्या है, क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेम टिश्यूज़ की। क्लियर? मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम, अगर वो टिप ऑफ शूट्स और रूट्स पे प्रेजेंट होगा, अगर वो बेस ऑफ इंटर नोड्स पे होगा तो इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम, अगर वो वस्कुलर और कॉक टिश्यूज में होगा तो लेटरल मेरिस्टेम। फंक्शन की बेस पे प्रोटोडर्म जो कि डिवेल्प हो जाएगा एपिडर्मस में, प्रोकैम्बियम जो डिवेल्प हो जाएगा प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम में, ग्राउंड एंड फंडामेंटल जो किस में चेंज हो जाएंगे, ग्राउंड टिश्यूज में और पिथ में। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं पैटर्न ऑफ डिवीजन। पैटर्न ऑफ डिवीजन क्या आ जाता है, सबसे पहले है पेरिक्लिनल, सेकंड क्या है एंटीक्लिनल। डिवीजन्स कैसे होती है ना सेल की, हम कह रहे हैं ना कि मेरिस्टेम जो होता है वो डिवाइडिंग सेल होते हैं, तो उनकी पैटर्न ऑफ डिवीजन भी तो होगा ना। तो दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक पेरिक्लिनल और एक एंटीक्लिनल। पेरिक्लिनल क्या होता है, अगर एक्सिस के पैरेलल डिवाइड कर, इस तरह ये है पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल डिवाइड कर रहे हैं, देखिए इसे हम क्या कहेंगे, पेरिक्लिनल। अगर सेल पैरेलल टू एक्सिस डिवाइड कर रहे हों, जैसे कि ये सेल्स नजर आ रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, पेरिक्लिनल। इसी डिवीजन को हम टेंजेंशियल डिवीजन भी कहते हैं। क्लियर? एंटीक्लिनल क्या होती है, जो राइट एंगल टू एक्सिस, ये देखिए ये राइट एंगल है, ठीक है ये राइट एंगल है, मैं आपको राइट एंगल और पैरेलल ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जो चीज़ है ना, लाइक ये पैरेलल होती है, और जो इस तरह से होती है ना वो राइट एंगल। ये एक्सिस है, ये एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, इस तरह की डिवीजन हो रही है इस तरह से, इस पेरिक्लिनल डिवीजन, टेंजेंशियल डिवीजन भी कहते हैं। और ये क्या है, राइट एंगल, ये एक्सिस है
और ये एक्सिस के राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री पे। तो ये इस तरह से डिवीजन हो रही है, इस तरह से ये एक्सिस है, ये क्या है, इस तरह से ऊपर को डिवीजन होती जाएगी, तो ये पैरेलल डिवीजन है। इसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल। क्लियर। दो तरह की पैटर्न ऑफ डिवीजन है, एक क्या है पेरिक्लिनल और एक क्या है एंटीक्लिनल। पेरिक्लिनल पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, टेंजेंशियल भी बोलते हैं। एंटीक्लिनल राइट एंगल टू एक्सिस, रेडियल भी बोलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी साइटोहिस्टोलॉजिकल करैक्टर। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं उसके सेल क्या होते हैं, थिन और फ्लेक्सिबल सेल वॉल होती है उनकी। क्या होती है, थिन एंड फ्लेक्सिबल सेल वॉल होती है। इन सेल्स के अंदर जो प्लास्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टर्ड इन दीज सेल्स आर प्रोटोप्लास्टर्स। वो कौन से प्लास्टर्स होते हैं, प्रोटोप्लास्टर्स होते हैं। फिर इनके अंदर हैव लेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपेयर टू अदर सेल्स। अदर सेल्स से कंपेयर करें तो इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होते हैं, कम होते हैं। शेप इनकी देखें तो रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं या फिर पॉलीगोनल हो सकते हैं। क्लियर। कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट का मतलब है कि इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती। साइटोप्लाज्म स्मॉल होता है और डेंस होता है, मतलब थिक होता है बहुत ज़्यादा। लैक विक्यूल, इसके अंदर विक्यूल प्रेजेंट नहीं होते मेरिस्टमैटिक टिश्यूज में। इफ हैव स्मॉल साइज, अगर हों भी तो स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, जो सेल वॉल होती है ना इसकी, हम यहाँ डिस्कस की है, थिन एंड फ्लेक्सिबल। जब इमेच्योर होता है तब तो फ्लेक्सिबल होती है, जिसका मतलब है कि ये डिवाइड कर सकती है, लेकिन जैसे ये मेच्योर होती है तो सेल वॉल रिजिड हो जाती है, जो कि डिवाइडिंग एक्टिविटी को सीज कर देती है। क्लियर, ये क्या है इसके साइटोहिस्टोलॉजिकल करैक्टर्स। क्लियर, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।